अस्सलामुअलैकुम। ओके दोस्तों, तो आज वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसी कमाल की पावरफुल एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में जो कि आप लोगों को आने वाली है बहुत ज्यादा पसंद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि हमारी हर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता चलूँ कि जो भी मैं आप लोगों के वीडियो एप्लीकेशन के नाम बताने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाले एप्लीकेशन के बारे में, तो उन सभी एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक लिंक होगा, आप वहाँ से जाके सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पर एप्लीकेशन आती है उसका नाम है बॉम्बेट अप। तो ये बेसिकली ऐसी ऐप है कि आप लोग किसी के साथ भी कोई भी प्रैंक कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों किसी को तंग करना है और उसके पास आप लोगों का जो नंबर होगा वो शो नहीं होगा और आप लोग इसे विदाउट सिम भी इस्तेमाल कर पाओगे। सिंपली आप लोगों ने इसे करना ये होगा, आप लोग यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना जिसको आप लोग SMS भेज के प्रैंक करना चाहते हैं और तंग करना चाहते हैं तो उसका नंबर यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है। मैं यहाँ पे बेसिकली कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ, रैंडम नंबर टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को काउंटिंग लिखनी है कि आप लोग कितने SMS भेज सकते हैं। आप लोग 1000 SMS भेजना चाहते हैं, 2000 भेजना चाहते हैं और आप लोग यहाँ पे 1000 तक भेज सकते हैं। और यहाँ जैसे कि मैं आप यहाँ पे 999 सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना है, बॉम्बेट पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आप लोगों का जो नंबर होगा वो उसके पास शो नहीं होगा। जैसे कि ऐसे SMS जाएंगे जैसे कि पिन, पोस्टल कोड वगैरह, यूर पिन ने ये वो फलाना फलाना तरीके से ऐसे अजीब अजीब ना नंबरों से और अजीब अजीब SMS वगैरह जाएंगे और बंदा एकदम से डर जाएगा, यार ये पता नहीं कहाँ से SMS आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आप लोग 30 SMS से फ़िलहाल आप 30 से कम SMS भेज सकते हैं। तो पता नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और इसलिए शायद ये बोल रहे हैं। अगर ज़्यादा टाइम इसे यूज़ करेंगे तो शायद ये वाला जो इसका जो काउंटिंग है ज़्यादा लेवल है वो शायद बाद में खुले। तो यहाँ पे हमने 29 कर दिया और यहाँ पे जो है दर दर SMS जाना स्टार्ट हो गए और पता नहीं किसका नंबर हो गया यार। और उसको यार मतलब कि मैंने ख़ुद ट्राई करी हुई है, बड़ी कमाल की एप्लीकेशन है। रैंडम नंबर से SMS जाते रहते हैं और उसके बाद बस। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर की एप्लीकेशन है उसका नाम है फेक टेक्स्ट। ये दरअसल एक ऐसी एप्लीकेशन है, मैं इसके बारे में आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि या इसकी वजह से आप लोग फेक कन्वर्सेशन जो होती है वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं यहाँ, आप लोग इसकी वजह से फ़नी मीम्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने मैसेंजर, व्हाट्सएप वगैरह की मीम्स वगैरह बनाई होती हैं और फेक टेक्स्ट वगैरह, फेक कन्वर्सेशन यहाँ पे आप लोग इसे बना सकते हैं। जैसे आप लोगों सिंपली क्लिक करना और क्लियर ऑल पे क्लिक कर दिया जैसे कि मैंने, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट लिखना है और जैसे कि मैं हाई लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को SMS पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग इसे सेंड करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं। मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ और ऐड दिखा रहा है हमें। तो उसके बाद हमने दोबारा SMS लिख दिया, भाई हमें रिप्लाई क्या आएगा। उसके बाद हमने रिसीव पे क्लिक कर दिया, मतलब जैसे हम SMS करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिप्लाई आना चाहिए। तो ये हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नंबर वगैरह और नाम वगैरह तक भी लिख सकते हैं। मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, लंबा सारा चाहे क्यों किसी का भी नंबर ना हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हो और यहाँ पे वैसे मैं नाम भी चेंज करता हूँ, अली नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग कोई भी SMS लिख के वगैरह 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 आप लोग किसी के मतलब के बना सकते हो यार, समझो यार मेरी बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यार इन तमाम एप्लीकेशन में से मुझे ये वाली एप्लीकेशन बड़ी पसंद आई है। तो अगली एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, इसका नाम है टैम्प मेल। ये बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को मेल देती है, मेल फ्राम करती है। जो कि जैसे कि आप लोग किसी भी फलाना वेबसाइट पर चले जाओ, थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह पर चले जाओ, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या करना पड़ता है, आप लोगों को वहाँ पर ईमेल एड्रेस मांगते हैं और आप लोगों को ज़्यादातर ईमेल एड्रेस ही देना पड़ता है। तो आप लोग अपना ईमेल एड्रेस देने के बजाय अगर आप लोग अपना ईमेल एड्रेस दे दो तो आप लोगों के पास फलाना 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 SMS आने लग जाते हैं कि आप लोग ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उन सब से बचने के लिए आप लोग यहाँ से ये यहाँ पे आप लोगों के ये वाली एप्लीकेशन ईमेल देती है, मेल देती है। आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोगों इसे कॉपी करना है और आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे चेंज प्ले करके चेंज कर सकते हो, आप जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर ईमेल।
चेक व्यूअर इनबॉक्स, यहाँ पे जाकर अगर आप लोग किसी भी, जैसे कि आप लोगों को कोई भी ईमेल पे अकाउंट वगैरह बनाना है, तो ये आप लोगों को बेसिकली 24 आवर का टाइम दीजिए, 24 घंटे आप लोग इस ईमेल को इस्तेमाल कर पाओगे कोई भी अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए। कोई भी अगर आप लोगों को SMS रिसीव होना है और OTP रिसीव होनी है, या तो फिर कोई भी कोड वगैरह, कोई पिन वगैरह रिसीव होना है, अगर आपको कोई भी अकाउंट बनाना, तो आप लोगों को यार पता है यार ईमेल वो आप लोगों को पिन तो रिसीव होता ही होता है। तो यार ये थी आज की हमारी एप्लीकेशन। दोस्तों उम्मीद है तो आप लोग मेरी वीडियो जरूर से पसंद आई होगी यार, तो सब्सक्राइब करो और साथ में बने बेल के आइकन तो भी जरूर से दबा ही दो यार, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।